मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई बांध लबालब हैं, वहीं नदी नाले उफान पर हैं। इसीलिए जनता से डैम नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। इसके बाद भी लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इन जगहों पर नहाने जा रहे हैं। कई लोग नदी नालों को पार करने में जुटे हुए हैं। इसकी एक खबर उमरिया से सामने आई है, जहाँ नहाते समय आरक्षक बह गया है। दरअसल मामला उमरिया के महानदी पर बने करहिया डैम का है, जहाँ नहाने गया आरक्षक प्रीतम बहगा तेज बहाव में बह गया है। आपको बता दें, जिस वक्त पुलिस आरक्षक पानी में उतरा, पानी काफी ज्यादा था। इसी बीच अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह सीधे नीचे गहरे पानी में जा गिरा। आरक्षक की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरक्षक की तलाश में जुट गई है। नदी उफान में होने के कारण आरक्षक को खोजने में दिक्कत हो रही है। लगातार बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने से मौके पर मौजूद राज्य आपदा प्रबंधन की टीम भी रेस्क्यू नहीं कर पा रही है। बीते दिनों से प्रदेश के कई जिलों में जारी बारिश बुरा हाल है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील करते हुए कहा था, मध्य प्रदेश में विगत दिनों हुई भारी बारिश से कई बांध नदी नाले उफान पर है। मेरी आप सभी से अपील है कि इस समय नदी नालों के आसपास ना जाएं। अगर हम सावधान रहें तो अमूल्य जीवन की रक्षा तथा होने वाले नुकसान को कम या शून्य कर सकते हैं। सीएम ने ट्वीट कर लिखा था, मेरी सभी नागरिकों से अपील है कि जिला प्रशासन के द्वारा जिन गांवों और बस्तियों को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जाए, उसका पालन अवश्य करें।